बुखार एक बहुत ही सामान्य बीमारी है। लगभग सभी को साल में एक बार बुखार जरूर होता है। बुखार का उपचार बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, लेकिन कभी-कभी साधारण सा दिखने वाला बुखार भी जानलेवा रूप ले सकता है। तो चलिए जानते हैं कि बुखार कब और कैसे ले सकता है आपकी जान। जब शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है, तो साधारण भाषा में उसे बुखार कहा जाता है। डॉक्टरी भाषा में जब शरीर का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहता है, तो उसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन जब शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। ऐसी स्थिति को हाइपरथर्मिया के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। शरीर का तापमान इतना ज्यादा होने से शरीर के भीतर सब कुछ टूटने लगता है। शुरुआत में शरीर पसीना निकालकर तापमान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर बाद में पसीना निकलना भी बंद हो जाता है और त्वचा सूखने लगती है। शरीर का तापमान कम करने और त्वचा तक ज्यादा खून पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और पाचन तंत्र के अंगों की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। इसकी वजह से खाने में मौजूद हानिकारक पदार्थ खून में चले जाते हैं, जो कि बहुत घातक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों से शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचता है। बहुत ज्यादा बुखार से शरीर की मांसपेशियां टूटने लगती हैं और उनके अंदर का सारा तरल खून में मिलने लगता है। जब ये गाढ़ा खून किडनी में जाता है, तो किडनी पर ज्यादा भार पड़ने से किडनी भी फेल हो सकती है। इन सबसे दिमाग पर भी असर पड़ता है। हमारे दिमाग की ब्लड वेसल्स हानिकारक वायरस आदि को दिमाग तक नहीं जाने देती, लेकिन हाइपरथर्मिया की वजह से ये वायरस दिमाग के अंदर जाने लगते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता है। यही कारण है कि हाइपरथर्मिया के ठीक होने के बाद भी 30% लोगों में परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है। इस जानलेवा बुखार की परिस्थिति का खतरा सब में एक जैसा नहीं होता। शहरी क्षेत्रों में और कम हवादार इलाकों में रहने वाले लोगों में हाइपरथर्मिया होने का खतरा ज्यादा होता है। बूढ़े, बच्चों और कुछ खास प्रकार की दवाइयां लेने वाले लोगों को भी अपने शरीर का ताप नियंत्रित करने में कठिनाई आती है। ऐसी बात नहीं है कि आप इस स्थिति से बच नहीं सकते। जानलेवा बुखार से बचने के लिए अल्कोहल, कैफीन और ज्यादा मेहनत वाले कामों को करने से बचें। रोजाना 1.5 से 2 लीटर पानी जरूर पिएं। लाइट वेट कपड़े पहनें और धूप में छाते का इस्तेमाल करें। अचानक से बढ़ा हुआ तापमान गर्मी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। इसलिए हाइपरथर्मिया से बचने के लिए इन उपायों को करें, लेकिन धूप से ज्यादा दूर भी ना रहें, क्योंकि इससे हमें विटामिन डी मिलता है, जो कि शरीर के लिए जरूरी है। अगर आपने हमारा बुखार वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उसे देखना ना भूलें। और ऐसे रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।